नमस्कार, राम राम साहब। साथियों, एक बार फिर से आपका कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो तवियां यानी डिस्क प्लाउ, ये कितने तरह के आते हैं और टॉप का डिस्क प्लाउ कौन सा है, कहाँ मिलता है और इनकी क्या रेट है, और एक वो फ्रेशर वाला आता है वो लें या सादा लें, इन सारी बातों के बात करेंगे कि डिस्क प्लाउ यानी तवियां जो ये सबसे टॉप की तवी है, वो आप ये देख रहे हो, ये अभी ये जो ट्रैक्टर चल रहा है ये डिस्क प्लाउ है, वो नागौर यानी राजस्थान में नागौर जिला के पास में ही एक मुंडवा मारवाड़ मुंडवा नाम का कस्बा है, वहां पर ये बनती है। और ये बहुत ही सारी दुकानें हैं वहां पर बनती है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये एक ही जो सबसे टॉप की है वो है एम नाम की लिखी हुई इसमें, इसके जो बीच में ऊपर जो अपन टोपलिंग जोड़ते हैं वहां पर एम लिखा हुआ होता है, तो ये एम वाली ही सबसे अच्छी है। और आप दो पल्लव वाली ही लें, यानी दो पलड़ा वाली लें, दो तवियां है वो ये सेट है, दो तरह का आते हैं, एक तीन तवी वाला आता है और एक दो तवी वाला आता है, तो आप दो तवी वाला ही सेट लें। और ये बहुत ही अच्छा सेट है जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये इनका जो मिट्टी का मिलान है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इनका ट्रैक्टर जो चल रहा है, इनका एवरेज यानी प्रति घंटा ये तेल की बचत भी करती है, और तो और पूरा खेत में आप देख रहे हो कहीं पर भी इनमें ये खड्डा नहीं है, खाली नहीं है, पूरा खेत एकदम पूरा समतल रहता है। और आप इनको ये सूखे में अभी चल रही है, आप सूखे में भी इनको चलाते हो तो अच्छा मिलान करती है ऊपर से मिट्टी का, और यदि आप खूब गहरा आलड़ा यानी आप ज्यादा नमी में भी इनको चलाते हो तो भी बहुत अच्छी है। तो इनकी अब बात करते हैं कि ये बात तो हो गई कि ये दो तरह की आती है, तो एक तो तीन तवी की आती है और भी कई तरह की आती है, लेकिन आप इसमें जो एक पंप फ्रेशर का सिस्टम आया है इस साल, तो वो पंप फ्रेशर वाला भी अधिक सक्सेस नहीं है, जबकि ये घूम जाती है, ये जो ये देखो इधर से यहाँ घूम जाती है और ये घूमने वाली है, बहुत ही इनका मिलान है वो बहुत अच्छा होता है। और आप ये पिछली दो साल में इनकी रेट है वो बहुत ही हाई ऊंची हो गई है, तो ये 45,000 के लगभग में ये सेट आता है जो आप ये देख रहे हो, एम लिखा हुआ होता है इनके ऊपर, जो एम वाली ही आपको लेनी है, बहुत ही अच्छी है। और मैं ये चला रहा हूँ, ये 10 साल से मेरे पास है और 10 साल में कोई तरह की इनमें शिकायत भी नहीं आती है, जैसे कोई बेरिंग टूटना, टेडी मेडी चालना, बैंड भरना, कोई भी शिकायत नहीं है। और एवरेज में तो बहुत ही अच्छी है, यानी प्रति घंटा में बहुत ही कम डीजल की खपत में ये काम कर देती है। और ये देखो अपन ये देख रहे हैं, तो ये मुंडवा की बनी हुई है। तो साथियों, आपको आज ये डिस्क प्लो के बारे में, जो मुंडवा की बनी हुई होती है, राजस्थान में नागौर जिला के पास में मारवाड़ मुंडवा नाम से है ये, यहाँ बनी हुई है, एम लिखा हुआ होता है इनके ऊपर। तो आप यदि भाई कोई किसान भाई यदि ये डिस्क प्लो यानी तवियों का सेट लेने का विचार कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप ये डिस्क प्लो जो दो पलड़े वाली होती है, दो तवियों वाली होती है, तो ये डिस्क प्लो लें। और तो और इसमें साथियों
सब्सिडी का भी प्रावधान है, तो आप इनमें सब्सिडी भी आप ले सकते हो और ये पक्का बिल देके और आपको ये सब्सिडी का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम से आप ये सब्सिडी भी ले सकते हो। तो ये जानकारी थी साथियों डिक्स प्लो के बारे में। तो आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृषि ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ जो किसान भाई नई डिक्स प्लो खरीदना चाहता है यानी तवियां खरीदना चाहता है तो वो भी ये वीडियो देख सके, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। एक बार फिर राम राम सा, जय जवान जय किसान जय हिंद।